आज हम खुशबूदार धनिया जीरा पाउडर घर में किस तरह से बनाना है और इसे 1 साल तक किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं ये देखेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरा ये तरीका आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं खुशबूदार धनिया जीरा पाउडर बनाना। मार्केट में दो तरह का धनिया जीरा पाउडर मिलता है, एक खुशबू वाला धनिया जीरा पाउडर और दूसरा सादा नॉर्मल धनिया जीरा पाउडर मिलता है। खुशबू वाला धनिया जीरा पाउडर में थोड़ा सा खड़ा मसाला डाल के बनाते हैं, इसके लिए उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है, इसके लिए इसे खुशबू वाला धनिया जीरा पाउडर कहते हैं। और नॉर्मल धनिया जीरा पाउडर में सिर्फ धनिया और जीरा का इस्तेमाल करके बनाते हैं, इसके लिए वो सादा धनिया जीरा पाउडर है। तो आज हम खुशबू वाला धनिया जीरा पाउडर बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं खुशबू वाला धनिया जीरा पाउडर बनाना। धनिया खरीदते वक्त हमें इतना ध्यान रखना है, धनिया थोड़ा छोटी साइज का होना चाहिए और इसका कलर ग्रीन होना चाहिए। इस तरह का धनिया हमें लेना है। ये 500 ग्राम धनिया लिया है। धनिया को हमने अच्छे से साफ किया है और फिर इसे छन्नी से छान लिया है और इसे धूप में 1 घंटे तक रखा था। 150 ग्राम जीरा लिया है, जीरा को भी अच्छे से साफ करके लिया है। जीरा की हमें सारी डंडियां निकाल लेनी है। ये 150 ग्राम जीरा अंदर मिक्स कर लेंगे। 50 ग्राम काली मिर्च, 8 से 9 तेज पत्ता लेना है। ये बड़ी साइज का है इसके लिए मैंने 8 से 9 लिया है, छोटी साइज का है तो आप 11 से 12 डाल दीजिए। इसे थोड़ा तोड़ लेंगे। 10 हरी इलायची ली है, 10 लौंग और 2 बड़ी इलायची है, 5 टुकड़ा दालचीनी का, ये सब अंदर डाल देंगे। मसाला जो हमने मिक्स किया है ये एक बड़े टॉप में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के इसे खुशबू आए तब तक भुनेंगे। धनिया जीरा थोड़ा सा क्रिस्पी होना चाहिए, इसे हमें ज्यादा नहीं भुनना है, इसका कलर जरा भी चेंज नहीं होना चाहिए और इसे लगातार चला के मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। धनिया जीरा को लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के 8 से 9 मिनट तक हमने भून लिया है और ये क्रिस्पी भी हो गया है। गैस ऑफ कर देंगे। 1 मिनट तक इसे इस तरह से चलाते रहेंगे, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो धनिया जीरा नीचे से एकदम लाल हो जाएगा। टॉप को हमने नीचे उतार दिया है और इसे 1 से 1.5 मिनट तक लगातार इसे चला के थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। अभी और ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब तक इसे ठंडा होने देंगे। टॉप अभी गर्म ही है तो ये जल्दी से ठंडा नहीं होगा, इसके लिए हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और अभी ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब तक इसे ऐसे ही रखेंगे। अभी ये रूम टेम्परेचर पे आ गया है, ठंडा हो चुका है तो इसे हम मिक्सर जार में डाल के क्रश कर लेते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के इसे क्रश कर लेते हैं। इसे पीस के पाउडर बना लिया है, आप देख सकते हैं, एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इस तरह का थोड़ा सा मोटा रहना चाहिए, ऐसा पाउडर हमें बनाना है। इसे एक टॉप में निकाल लेते हैं। इस तरह से सभी धनिया जीरा को हम क्रश करके पाउडर बना लेते हैं। धनिया जीरा पाउडर की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा थोड़ा पीस के हम टॉप में निकालेंगे तो इसके ऊपर हमें ढक्कन लगा के रखना है। इस तरह से रखेंगे तो इसकी खुशबू जो है वो अंदर बरकरार रहेगी। धनिया जीरा पाउडर हमने पीस के सब अंदर डाल दिया है, अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बराबर से चला के इसे मिक्स करना है क्योंकि हमने मिक्सर जार में थोड़ा थोड़ा धनिया जीरा डाल के पीसा था, तो इसलिए ये मिक्स करना बहुत ही जरूरी है। आप देख सकते हैं धनिया जीरा पाउडर का कलर भी एकदम अच्छा आया है। इस तरह से धनिया जीरा का पाउडर बनाएंगे तो आप जो कुछ भी बनाए, सब्जी या दालें जिसमें भी ये धनिया जीरा पाउडर यूज करें वो बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे हम रूम टेम्परेचर पर आ जाए तब तक इसे ठंडा होने देंगे क्योंकि मिक्सर जार में इसे पीसा है तो ये थोड़ा सा गर्म है, तो
इस तरह से जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब तक हमें इसे टॉप में ही रखना है। इसके बाद इसे हम एयर टाइट कंटेनर में भरेंगे। इस तरह से ढक्कन लगा के इसे छोड़ देंगे। धनिया जीरा पाउडर को हमने 2 घंटे तक ऐसे ही रखा था और ये एकदम अभी ठंडा हो गया है, तो इसे हम एक एयर टाइट जार में भर लेंगे। इसे पूरे साल तक कैसे स्टोर करना है ये आपको मैं दिखाती हूँ। एक एयर टाइट कांच की बरनी हमने ली है। बरनी को अच्छे से पानी से धो लेना है। इसके बाद इसे कपड़े से पोंछ के धूप में 1 घंटा रखना है ताकि एकदम ये अंदर से ड्राई हो जाए। इसके बाद इसमें हम धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। थोड़ा थोड़ा धनिया जीरा पाउडर डाल के हमें इसे चम्मच से इस तरह से दबाना है अंदर। थोड़ा थोड़ा डालते जाना है और फिर इसे दबाना है अंदर। इस तरह से थोड़ा थोड़ा डाल के दबा के हम पूरा जार भर लेते हैं। इस तरह से दबा के हमने भर दिया है जार। आप देख सकते हैं धनिया जीरा पाउडर हमने एकदम दबा के अंदर भरा है। इसके ऊपर हम ये साबुत हींग रखेंगे। ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। ये हमने पहले भी यूज की हुई है। ये मेरी पिछले साल की यूज की हुई हींग है। इसे हम बार बार इस तरह से यूज कर सकते हैं। इस तरह से ऊपर रख देना है। इसे रखने से धनिया जीरा पाउडर में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं और ये 1 साल तक बहुत ही अच्छे से रहता है, खराब नहीं होता है। ढक्कन को हमें बराबर से टाइट करके बंद कर देना है। इसके ऊपर एक साफ कपड़ा या रुमाल इस तरह से रख के इसे बांध लेना है। एक डोरी से इसे टाइटली बांध लेना है इस तरह से। इस तरह से बांध के इसे स्टोर करना है। धनिया जीरा पाउडर को हवा बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। अगर इसमें मॉइस्चर लग जाएगा तो ये खराब हो जाएगा और इसमें कीड़े हो जाएंगे। इसके लिए इसमें हवा जरा भी नहीं लगनी चाहिए। जार को हमें रोज रोज खोलना नहीं है। 1 हफ्ते का धनिया जीरा पाउडर आप एक दूसरे कंटेनर में निकाल के रख सकते हैं और जब भी धनिया जीरा पाउडर हम निकालेंगे तभी हमारा हाथ गीला नहीं होना चाहिए। जिस चम्मच से हम निकालते हैं वो भी गीली नहीं होनी चाहिए। और धनिया जीरा पाउडर दूसरे कंटेनर में निकाल के तुरंत ही इसे बंद करके वापस रख देना है। इस तरह से आप थोड़ी सी बातों का ध्यान रखेंगे तो इसे 1 साल तक हम बहुत ही अच्छे से रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। खुशबूदार धनिया जीरा पाउडर बनाने का और इसे स्टोर करने का मेरा ये तरीका आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलेंगे अगले और एक नए वीडियो के साथ में।